न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। पीएम मोदी की तरह खड़गे ने खुद को बताया कर्नाटक का भूमि पुत्र, कहा अंतिम सांस तक गरीबों के लिए जारी रखेंगे लड़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भावनात्मक अपील में कर्नाटक में के लोगों से इस पर्व पर गर्व करने का आह्वान किया कि एक भूमि पुत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कलबुर्गी की जनसभा में उन्होंने कहा कि वह 81 साल के हो गए हैं और अगर कोई उन्हें खत्म करना चाहता है तो कर दे, कोई मलाल नहीं है। अनुभवी नेता चित्तरपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ के एक कथित ऑडियो का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वह खड़गे के पूरे परिवार को मिटा देंगे। गौरतलब है कि राठौड़ पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और वह खड़गे के बेटे प्रियांका खड़गे के खिलाफ लड़ रहे हैं। खड़गे ने कहा, इस आदमी की बातों के पीछे कुछ भाजपा नेता होंगे, नहीं तो यह ऑडियो में बोलने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं। खड़गे के परिवार को खत्म कर देंगे। जनसभा में खड़गे ने कहा कि कोई भी उन्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मेरे पास मेरी रक्षा के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है, मेरे पीछे कर्नाटक के लोग हैं और अब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद देश के लोग मेरे पीछे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे साजिश का एंगल है और भाजपा के वरिष्ठ नेता इसका समर्थन करते। खड़गे ने कलबुर्गी के लोगों से आह्वान किया कि वह जिले और पड़ोसी यादगिर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस को वोट दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे अपना प्रमुख बनाया और कलबुर्गी को कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव जिताना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के सभी उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर उनकी इज्जत बचाने की अपील कर रहे थे, क्योंकि वह गुजरात के भूमि पुत्र है। खड़गे ने कहा कि इसी तरह भी कर्नाटक के भूमि पुत्र है और इसलिए लोगों को कांग्रेस को जिताना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खड़गे, राहुल, प्रियंका ने 85 जनसभाएं, रोड शो किए। राहुल ने डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी की, जमकर बोला भाजपा पर हमला। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दक्षिणी राज्य में आक्रामक प्रचार किया और 85 जनसभाएं और रोड शो किए। खड़गे, जिन्हें पिछले साल पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, उन्होंने 15 अप्रैल से अपने गृह राज्य कर्नाटक में डेरा डाला और 36 जनसभाओं को संबोधित किया, जिनमें से एक हुबली में पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ थी। 81 वर्षीय खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी है, उन्होंने राज्य में मतदान से पहले राज्य में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस बीच पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी, जिन्हें इस साल मार्च में गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उन्होंने भी राज्य में 23 जनसभा और रोड शो को संबोधित किया और दक्षिणी राज्य में भाजपा सरकार के तहत कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया। राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राज्य में 26 जनसभा और रोड शो को संबोधित किया और केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई मौकों पर राज्य में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में घोषित 5 गारंटियों को भी राज्य के सभी नेताओं ने प्रमुखता से रेखांकित किया। कांग्रेस ने गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी 2000 रुपए मासिक, बीपीएल परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पसंद का 10 किलो अनाज, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम की नियमित बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की घोषणा की है।
224 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 10 मई को होना है और मतगणना 13 मई को होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में केजरीवाल की कमी महसूस कर रहे आप नेता, कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बोले दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण। आम आदमी पार्टी आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की दौड़ में उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ता को निराश किया है। पार्टी समर्थकों के लिए भी यह निराशाजनक था क्योंकि वह चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 8 मई को राज्य में उनकी उपस्थिति की उम्मीद कर रहे थे। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आप कर्नाटक में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी बेंगलुरु और कर्नाटक के शहरी सीटें जीतना चाह रही थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप बीजेपी के लिए एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी साबित होगी। दिल्ली विधानसभा में आपको सत्ता में लाने वाले और पंजाब में पार्टी को सत्ता में लाने वाले केजरीवाल से कर्नाटक में आक्रामक चुनाव अभियान चलाने की उम्मीद की गई थी, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे भाजपा के दिग्गज राज्य के लगभग हर कोने में पहुंचे और चुनाव प्रचार तेज कर दिया। आप नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी की उच्चता और प्रतिशोध की राजनीति ने केजरीवाल को कर्नाटक में व्यापक प्रचार करने से रोक दिया है और मजबूर कर दिया है। INS से बात करते हुए आप बेंगलुरु शहर के कार्यकारी अध्यक्ष मोहन दसारी, जो बेंगलुरु में सीवी रामनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा आपके खिलाफ बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति ने केजरीवाल को कर्नाटक चुनाव अभियान में प्रवेश करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा केजरीवाल अप्रैल के महीने में आए थे, पार्टी के राष्ट्रीय नेता राघव चड्ढा, संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके अन्य मंत्रियों ने भी कर्नाटक का दौरा किया। चुनाव को गंभीरता से लिया जा रहा है, नहीं तो कोई नहीं आता। उन्होंने प्रश्न किया हमारे नेता मनीष सिसोदिया झूठे मुकदमे में जेल में है, जब कोई आबकारी नीति लागू नहीं थी तो भ्रष्टाचार कहां था। दसारी ने आगे कहा कि केजरीवाल ने दिखाया कि कैसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा चूंकि वह अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है, इसलिए उन्होंने इन लोगों को झूठे मामलों में सलाखों के पीछे डाल दिया। दसारी ने कहा यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।